हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा फर्स्ट बैच के जो VT4 टैंक्स हैं उनको इंडक्ट किया गया है। तो ये चाइनीज टैंक है और काफ़ी डिसेंट टैंक है। इनको चाइनीज कंपनी नोरिनको द्वारा बनाया जाता है और ये पिछले साल अप्रैल से ही पाकिस्तान को डिलीवर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इन टैंक्स का तीसरा कस्टमर है थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद, और ये पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन के मॉडर्न टैंक होने वाले हैं। तो इन टैंक्स के बारे में हमने पहले डिटेल में बात करी हुई है एक वीडियो के अंदर, जिसको हम आगे अटैच कर रहे हैं। तो ये चाइनीज़ VT4 टैंक है, जिनको MBT 3000 भी कहा जाता है। तो ये JF-17 की तरह ही ऐसा टैंक है जिसको चाइना खुद ऑपरेट नहीं करता है, पर एक्सपोर्ट के लिए बना रखा है। तो इसे अल खलीद का नया वर्जन कह सकते हैं, जहाँ पर Type 99A के फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली ये 52 टन का टैंक है, पर पाकिस्तान ने अपने लिए FY4 एरा प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाया है, तो इसका जो वेट है वो करीबन 55 टन के अराउंड हो गया होगा। बाकी अगर मेन कैनन की बात करें तो वो 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन है, जैसे कि T-90s और T-72 में है। बाकी अगर सेकेंड आर्मामेंट की बात करें तो वो 12.7 मिलीमीटर या 7.62 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल्ड गन हो सकती है, और जो इंजन है जो कि पाकिस्तान के VT4 में लगा है वो करीबन 1500 हॉर्स पावर का चाइनीज इंजन है। तो ये जो इंजन है ये पावर टू वेट रेशियो 25 हॉर्स पावर पर टन के ऊपर का दे देता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। वहीं पर सस्पेंशन की बात करें तो वो टॉर्जन बार सस्पेंशन है, जैसा कि हमारे T-90s और T-72 में लगा हुआ है। और इसकी जो रेंज है वो करीबन 500 किलोमीटर की बताई जाती है और स्पीड करीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है। बाकी ये अपनी मेन गन से APFSDS राउंड्स, हैश राउंड्स, हीट राउंड्स और गाइडेड मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसमें लेज़र रेंज फाइंडर, पैनारोमिक साइट्स, थर्ड जनरेशन थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स सब लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें चाइना का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसे GL-5 कहते हैं। तो इस सिस्टम में 4 मल्टीफंक्शनल रडार लगे हैं, जो कि इसे 360 डिग्री की कवरेज देते हैं। तो ये इनकमिंग मिसाइल को 100 मीटर की दूरी से पहचान सकता है और उसके डिफेंस में ये 2 रॉकेट्स को फायर करता है, जो कि उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडियन टैंक्स में नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, इस टैंक में जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है वो काफ़ी अच्छा है। जो FY4 प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ जो फायर पावर है वो भी अच्छी है, और ओवरऑल ये काफ़ी डिसेंट टैंक है। अर्जुन से कंपेयर करें तो कुछ मामलों में अर्जुन बेटर है, पर ओवरऑल VT4 ज़्यादा बेटर टैंक है। अर्जुन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो उसका पावर टू वेट रेशियो है वो कम कर देता है और मोबिलिटी उतनी अच्छी देता नहीं है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर प्रोटेक्शन एडिक्वेट नहीं दिया गया है, जहां देना चाहिए था। और जो मेन गन है वो 120 मिलीमीटर की राइफल्ड गन है, जिसकी एक्यूरेसी तो ज़्यादा होती है, पर 125 मिलीमीटर की जो स्मूथ बोर कैनन है वो ज़्यादा पावरफुल राउंड्स फायर कर सकती है और ज़्यादा वैरायटी के राउंड्स फायर कर सकती है। तो इंडिया ने T-90MS टैंक के ऑर्डर्स दिए हैं, जो कि T-90 के सबसे लेटेस्ट टैंक है, पर उसमें भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, और वो इंडियन आर्मी ने जो लिया है उसमें नहीं है, वैसे T-90MS में आते हैं। तो अभी इस पर काम चल रहा है, आगे चलकर इसमें इंडिजिनस सिस्टम लग सकता है। पर अगर अभी की बात करें तो अभी इंडिया के किसी भी टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।